समय की बात है, एक किसान था जो बहुत ही गरीब था। वो लगन से काम करता और वो जो कुछ भी कमाता उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए वो काफी था। एक शाम काम से लौट आने पर उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी। आज रात मैं क्या पकाऊं? उसने उस वक्त अपनी झोपड़ी के सामने एक मुर्गी के चिल्लाने की आवाज सुनी। अहे, वो मुर्गी मेरे लिए तो बहुत बढ़िया होगी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद किसान ने मुर्गी पकड़ ही ली। जैसे ही वो उस मुर्गी को मारने ही वाला था, मुर्गी बोल पड़ी, किसान आहा? मुझे मत मार, मैं तेरी मदद करूंगी। ये क्या है, एक मुर्गी बोल सकती है? हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? यदि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं रोज तुम्हें सोने का एक अंडा दूंगी। क्या? सोने का अंडा? वो भी हर रोज? लेकिन मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? शायद तुम झूठ बोल रही हो। मुझ पर भरोसा करो, यदि मैं कल सोने का अंडा नहीं दूंगी तो तुम मुझे मार सकते हो। ठीक है, मैं कल की राह देखूंगा। हाँ, किसान घर गया और तुरंत ही उसने मुर्गी को पिंजरे में रख दिया। अगले दिन सुबह उठते ही वो मुर्गी के पिंजरे के पास जाकर ये देखने गया कि क्या सचमुच मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। अरे, ये तो सच है, है? ये देखो, सोने का अंडा है। उसने खुशी खुशी अंडा उठाया और शहर जाकर उसे बेचने की कोशिश की। वो सड़क के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाने लगा, सोने का अंडा बेचने के लिए है, सोने का अंडा बेचने के लिए है, ला 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 ला। अरे, क्या ये सच में सोने का अंडा है? सच में सोने का अंडा ही है। बड़ी भीड़ उसके पास जमा होकर अंडे को देखकर चकित हो गई। मुझे ये चाहिए। नहीं, ये मेरा है, मैं इसे खरीदूंगा, ये मुझे बेच दो तो ये आपका हुआ, चिंता मत करो, मैं कल और एक अंडा ले आऊंगा, सबके लिए काफी है। किसान ने सोने का अंडा बेचा और उसे उसकी अच्छी कीमत मिली। अगले दिन जब वो उठा तो फिर से देखने गया कि क्या एक और सोने का अंडा है या नहीं। खूब, बहुत खूब, एक और सोने का अंडा, मैं इसे भी बेचूंगा। हाँ। एक बार फिर उसने शहर जाकर अंडा बेच दिया। सोने का अंडा बेचने के लिए है। बताओ, तुम्हें कितनी कीमत चाहिए? दिन ब दिन मुर्गी उसे सोने का खूबसूरत अंडा देती रही। किसान धीरे धीरे अमीर होता गया और अमीरी के साथ साथ लालची भी। मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए, हर रोज सोने के बस एक अंडे की राह देखकर मैं थक चुका हूँ।
उसने सोचा और सोचा और सोचता ही रहा। मैं उस मुर्गी को मार दूंगा और उसमें छिपी सोने की खदान ले लूंगा। मुझे एकदम उसका सारा खजाना मिल जाएगा। लालची किसान ने मुर्गी को मार डाला, पर अफसोस की बात कि उसे कुछ भी नहीं मिला। अरे ये नहीं हो सकता है, सोने की खदान कहाँ है, उसका खजाना कहाँ है? अब मेरे पास न मुर्गी है और न सोने के अंडे, अब मैं क्या करूं? तो इस कहानी की सीख क्या है? कहानी की सीख यही है बच्चों कि ज्यादा लालची होना बुरी बात है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये भालू है, पिताजी सही थे, अंधेरा हो रहा है।